अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। और आज हम आए थे मेला देखने के लिए और ये हम पहुँच गए हैं मेले में। और मेरे हस्बैंड गए हैं बाइक को पार्क करने के लिए और उसके बाद में हमें लेना था टिकट। और ये आ गए हैं मेरे हस्बैंड बाइक को पार्क करने के बाद और हमने अंदर एंट्री कर ली है। और मेले में एंट्री करते ही मुझे ये इतने खूबसूरत से इयररिंग्स दिखाई दिए जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे और सभी कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इयररिंग्स थे यहाँ पर इनके पास। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि कॉटन के सूट्स वगैरह, प्लाजो, नाइट वेयर के कुछ कपड़े थे और टी शर्ट्स वगैरह थी, लोअर वगैरह थे और ज्वेलरी के पीसेस थे, स्पैक्स थे। और इस साइड में लखनवी कुर्ती के डिज़ाइंस थे काफ़ी अच्छे और ये सब सिंपल कुर्तियाँ थी कॉटन की। और इधर थे बैंगल्स, बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे बैंगल्स थे यहाँ पर। और ये कुछ नेक पीसेस थे और कुछ सेट्स थे और बैंगल्स थे और इधर साइड में स्पैक्स थे और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर। और जैसे कि जिस तरह से मेलों में गंदगी वगैरह होती है और यहाँ पर ज़रा भी गंदगी नहीं थी, एकदम यहाँ पर साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था और जगह जगह पर डस्टबिन रखे हुए थे तो कूड़ा बिल्कुल भी कचरा कोई नहीं दिखाई दे रहा था। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर बच्चों के लिए आइटम था, टॉय थे, कुछ गेमिंग चीज़ें थी और एक क्यूब थी जो मेरे बेटे ने निकाली थी और सेम उसके पास इस तरह की क्यूब है घर पर, बट वो उसको सॉल्व कर रहा था वहीं पर। और सॉल्व करके ये देखें, ये वो सॉल्व कर रहा था और सॉल्व करने के बाद वहाँ पर रख के आया था। और मुझे ये बहुत ही प्यारी छोटे छोटे सी बॉल्स दिखाई दी, काफ़ी अच्छी बॉल्स थी बट थोड़ी बड़ी थी। और ये काफ़ी सारे और काफ़ी प्यारे प्यारे बच्चों के टॉयज थे। और इस साइड पर एक स्टॉल लगा हुआ था मेकअप का और ये सारा मेकअप जितना भी है ये सारा मेकअप कॉपी था, कोई भी ओरिजिनल चीज़ यहाँ पर नहीं थी तो मैंने यहाँ से कोई भी चीज़ इस तरह की ख़रीदी नहीं है। और ये सब ये सारा मेकअप कॉपी था और मेकअप की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। और इधर ये कुछ रिंग्स थी, इयररिंग्स थे, कोई नेक पीसेस थे और मंगलसूत्र विद इयररिंग्स थे और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी। ये जो नीचे रखे हुए हैं ये एडी में थी रिंग्स वगैरह, काफ़ी प्यारे प्यारे थे। और ये ऊपर कुछ इयररिंग्स लगे हुए थे कलरफुल वाले, ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत इयररिंग्स लगे हुए हैं। और ये रिंग्स थी इसमें और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये वाले इयररिंग्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे मल्टी कलर में और ये हर एक ड्रेस पर जाएगा, इतना खूबसूरत इयररिंग्स थे। और इयररिंग्स मैंने नहीं ख़रीदे हैं और कुछ हैवी इयररिंग्स थे जो देखने में हैवी लगे और लाइट वेट हों, उस तरह के इयररिंग्स मैं पहनती हूँ। और एक ये कॉर्नर था, एक ये स्टॉल ये वाला लगा हुआ था, मीठा पान, सौंफ, माउथ फ्रेशनर और टॉफ़ी वगैरह थी। और बहुत ही सारी बचपन की यादें हैं यहाँ पर जो कि हम बचपन में खाया करते थे ऐसी चीज़ें। और होम डेकोरेटिव कुछ पीसेस थे यहाँ पर और कुछ बौद्ध की थी, एलिफेंट्स वगैरह की थी और लाफिंग बौद्धा था और काफ़ी सारी स्टैचूज थे यहाँ पर, मूर्तियाँ थी छोटी छोटी। और ऊपर ये जो है ये होम डेकोरेटिव कुछ हैंगिंग वाली चीज़ें हैं जो काफ़ी प्यारी थी। और यहाँ पर भी देखो कितना क्लीन पड़ा हुआ है एकदम, और डस्टबिन रखे हुए हैं और बिल्कुल एकदम क्लियर था, कहीं पर डस्ट नहीं नज़र आ रही थी, कचरा नहीं कहीं पर भी, एकदम नीट एंड क्लीन थी हर जगह। और यहाँ पर सेल लगी हुई थी 10-20 रुपीज़ की और यहाँ पर क्लेचर्स थे और कुछ हेयर बैंड्स थे और काफ़ी सारी चीज़ें थी बच्चों की या बड़ों की, छोटी छोटी सी चीज़ें थी। और उसके बाद यहाँ पर ये छोटी सी एक
स्टॉल ऑल लगा था, और इसके बाद में यहाँ पर फ्लावर्स थे जो कि आर्टिफिशियल थे और काफ़ी मगर क्यूट लग रहे थे, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। और ये देखें यहाँ पर एक साइड पर ये, और ये देखें मेरे बेटे को, ये काफ़ी इंजॉय कर रहा था यहाँ पर। और एकदम ऐसे भी नहीं था, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है वो भी नहीं था। और ये मैं यहाँ पर कुछ देख रही हूँ और ये काफ़ी प्यारे प्यारे। और यहाँ पर एक बालों को टाई करने के लिए एक बैंड था और काफ़ी प्यारी कलर थे इनके, काफ़ी प्यारे प्यारे कलर थे और काफ़ी सारी वैरायटी भी थी इनके पास। और यहाँ पर ये फ्लावर्स देखें इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल रियल लग रहे हैं। और ये काफ़ी प्यारे प्यारे फ्लावर्स थे। और ये पत्थर स्टोन्स वगैरह हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल या फिर ओरिजिनल वाले प्लांट्स में भी हम डाल सकते हैं ये पत्थर को डेकोरेशन के लिए। और यहाँ पर भी काफ़ी सारा सामान था, छोटी छोटी सी चीज़ें थी, 10, 20, 30 रुपीज़ का आइटम यहाँ पर था। और ये छोटी छोटी सी रेजर थी बच्चों की, और ये स्पिनर मेरा बेटा लेकर बैठा हुआ है, स्पिनर से खेल रहा था। और ये पेंसिल्स थी, और ये वाइपर्स थे, किचन वाइपर। और ये छोटी छोटी सी बॉल्स थी, और उसके बाद में ये सारे, ये छन्नी वगैरह थी, स्टैंड थे गैस वाले। और ये मैं कुछ चीज़ देख रही थी यहाँ पर, और नाइफ थे, और ज़्यादातर यहाँ पर बच्चों के पेंस थे। और ये फ्लेक्सिबल वाली पेंसिल्स थी जो कि इस तरह से मुड़ी हुई थी, और ये सिंगल भी पीस हम ले सकते थे, कोई ये नहीं था कि पैकेट ही हमें लेना है। ये इस तरह की पेंसिल्स थी, फ्लेक्सिबल सी, और शायद ये मोड़ भी सकते हैं हम इसको इजीली, इस तरह से शेप थी इसकी। और यहाँ पर कुछ लाइटर, बच्चों के कोई छोटे छोटे से चीज़ें थी, ये बटरफ्लाइज थी। और ये वाला छोटा सा पेन था, पेन नहीं सॉरी पेंसिल थी, और इसमें छोटा सा मिरर लगा हुआ था, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये भी 20 रुपीज़ की थी। और हमने कुछ ज़्यादा ख़ास शॉपिंग नहीं की थी यहाँ से, और कुछ ख़रीदा नहीं था हमने यहाँ से। और ये यहाँ पर एक साइड पर स्टॉल लगा हुआ था टैटू के लिए, टैटू बनवा रहे थे कुछ लोग यहाँ पर। और उसके बाद हम चलने लगे हैं आगे की साइड पर, ये देखें टैटूज वगैरह के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कुछ लोग, टैटू बनवा रहे हैं कोई डिज़ाइन सेलेक्ट करके अपने पास से। और ये सारे टैटूज की पिक्चर हैं। और उसके बाद हम चलने लगे हैं आगे की तरफ, और यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे जंपिंग झूले में झूल रहे थे। और एक यहाँ पर ये शॉप थी मिरर की, और काफ़ी ज़्यादा ये प्यारी शॉप थी, और लाइटिंग वाले टच वाले ये मिरर थे, और काफ़ी अच्छी शेप थी इन मिरर्स की, और काफ़ी अच्छे अच्छे मिरर्स यहाँ पर लगे हुए थे, काफ़ी प्यारे। और ये देखें कितने खूबसूरत मिरर्स थे, सारे एक से बढ़कर एक मिरर्स थे इस शॉप में। और ये फिक्स प्राइस की शॉप थी, यहाँ पर कई जगह पर लिखा हुआ था कि फिक्स प्राइस हैं। और उसके बाद यहाँ पर गेम खेल रहे थे बच्चे, और ये देखें जंपिंग झूले में यहाँ पर काफ़ी शैतानी कर रहे थे छोटे छोटे बच्चे। और यहाँ पर काफ़ी प्यारे प्यारे झूले लगे हुए थे, बड़े बड़े झूले भी थे, बच्चों के लिए छोटे झूले भी अवेलेबल थे। और ये देखें, और ये मिकी माउस भी था जंपिंग वाला, जिस पर बच्चे लगे रहते हैं काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। और काफ़ी बड़े बड़े भी झूले यहाँ पर लगे हुए थे, और ये मैं और मेरा बेटा, और बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी आगे जाके अंदर मेले में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, और इसलिए बच्चों को
हमेशा अपने पास रखें, क्योंकि ये होता है कि कहाँ इतनी भीड़ में ऐसा हो जाता है। और मेरा बेटा बार बार हाथ छोड़ के जा रहा था। और यहाँ पर ये देखें ट्रेन थी छोटू सी डायनासोर वाली, और ये देखें मेरे बेटे को, और ये देखें बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ों को। ये देखिए वो डरा रहा है हमें, और यहाँ पर भी लाइटिंग वाली चीज़ें थी काफ़ी प्यारी प्यारी बच्चों की। और उधर की साइड में एक पूल बना हुआ था, और अब हम यहाँ से निकल गए हैं आगे की साइड, जो कि ये ट्रेन चल गई है अब। और ये ट्रेन कुछ देर बाद काफ़ी फास्ट चलने लगी थी। अब शायद राउंड पूरा हो चुका है इस ट्रेन का, इसलिए शायद थोड़ी स्लो हो गई है। और बच्चे बच्चों के साथ बड़े भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और ये देखें सबसे प्यारी चीज़ थी यहाँ पर मुझे ये लगी, बोटिंग। और बच्चों के लिए बोटिंग थी, एक छोटा सा स्विमिंग पूल बनाया था इन्होंने, और छोटी छोटी बोट्स थी, तो बच्चे इतना इंजॉय कर रहे थे, कोई भी बोट से बाहर आने के लिए रेडी ही नहीं था। और झूले वाले भैया ये ज़बरदस्ती बच्चों को निकाल रहे थे टाइम होने पर, और बच्चे निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे बोट से। और बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया है इस बोट में, और काफ़ी देर तक बोटिंग की है, और मैंने अपने बेटे को भी बोटिंग कराई थी इसमें। और एक यहाँ पर डांस कंपटीशन हो रखा था उससे पहले, ये देखें ये बहुत फनी था। और ये नीचे और बहुत ज़्यादा फनी लगा मुझे ये। और एक छोटी सी बच्ची भी लास्ट में यहाँ पर इस पर बैठी थी, बट वो ऊपर चढ़ी है और नीचे गिर गई फौरन, तो ज़्यादा देर टिक नहीं पाई थी। और ये बड़ा वाला झूला था, और उसके जस्ट यहाँ पर सामने स्विमिंग पूल था छोटू सा। ये छोटू छोटू से बच्चे क्यूट क्यूट से बोटिंग कर रहे थे, और यहाँ पर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया, सभी बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और अपने बेटे को भी हमने नहीं बताया था कि हमें मेले में जाना है, और उसको चुपचाप लेकर आए थे हम। वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुआ था यहाँ आने के बाद। और यहाँ पर चल रहा था डांस कॉम्पिटिशन, और जो बच्चे अच्छा डांस कर रहे थे उनको सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिल रहे थे, चॉकलेट्स, सरप्राइज़ गिफ्ट्स, या फिर पास मिल रहे थे झूलों के लिए फ्री। और ये देखें मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाली हूँ इन्हीं छोटी सी बच्चियों की, इन्होंने इतना क्यूट डांस किया है, इतना प्यारा डांस किया है इन्होंने, तो ज़रा देखें आप, इंजॉय करें।
मैंने आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको हर जगह पार्किंग नहीं दी देना अपने रेस्टोरेंट डाल दो आप बहुत अच्छा डांस कर दो ठीक है। दीदी आपके लिए तो ये गिफ्ट है और आपके लिए मेरी तरफ से एक पास पास कोई सा भी झूला झूल सकते हो फ्री कौन सा भी झूला जो आपका फेवरेट झूला हो सकते हो और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल डांस किया था दोनों ने और उन दोनों को गिफ्ट भी मिले थे। और छोटी वाली जो लड़की थी उसने काफ़ी प्यारा डांस किया था, काफ़ी प्यारा एक्सप्रेशन भी काफ़ी प्यारे वो दे रही थी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उसका डांस देखने के बाद। और उसको पास मिला था कि वो किसी भी झूले पर झूल सकती है और उसकी सिस्टर को मिला था एक सरप्राइज गिफ्ट और बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और ये देखें इस पर फिर से कोई बैठा है और ये देखें ये काफ़ी फनी था, इस पर कोई टिक ही नहीं पा रहा था। और अब मेरे बेटे को हमने कराई थी बोटिंग और ये देखें कितना एंजॉय किया है बच्चों ने। और बच्चे इस स्विमिंग पूल से बोट से बाहर आने के लिए ही रेडी नहीं थे, रोने लग रहे थे जो भी बच्चे को वो बाहर निकाल रहे थे, तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। और मेरे बेटे ने भी काफ़ी देर बोटिंग की थी और ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी बच्चों के लिए। और ज़्यादा पानी भी नहीं था इसमें, इतना गहरा पानी नहीं था और थोड़ा सा पानी इसमें भरा हुआ था और इजीली बोटिंग कर पा रहे थे बच्चे इसमें और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद में हम वापस आने लगे हैं, हमने मेला देख लिया था और हम लेट भी हो गए थे, 11 का टाइम हो रहा था। और उसके बाद यहाँ से हमने लिया था हलवा पराठा जो कि मेले की स्पेशलिटी है, कहीं पर मेला लगा हो और हलवा पराठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये हम जाने के लिए हो गए हैं रेडी, हमें हो गए थे 2 घंटे यहाँ आए हुए और ये मैं और मेरा बेटा हम जाने लगे हैं बाहर, एग्ज़िट कर दिया हमने दूसरी साइड से एग्ज़िट करने लगे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया और इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर लगा आके। और हम सब ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया और उसके बाद हम आ गए थे बाहर पार्किंग एरिया में और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस था तो यहाँ पर कुछ लोग कर रहे थे हॉर्स राइडिंग। और आते आते मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था और अगर ज़्यादा भीड़ होती तो काफ़ी गर्मी यहाँ पर रहने वाली थी, बट मौसम भी ठीक हो गया था और भीड़ भी इतनी नहीं थी तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर। और ये देखें ये बच्चे हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और बड़े भी। और ये हमने जाते टाइम नहीं नोटिस किया था, जब हम आ रहे थे आधे टाइम हमने देखा था। एक काफ़ी साल पहले एक ट्रेजेडी हुई थी हॉर्स, इसलिए मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं पसंद, हॉर्स से डर लगता है थोड़ा सा। और हमने काफ़ी इंजॉय किया और यहाँ पर एक छोटे से बच्चे ने छोटी सी साइकिल भी यहाँ पर लगाई है पार्किंग में। और अगर ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।